हर काम करते हैं, सारे काम करते हैं सिर्फ एक चीज ढूंढने के लिए, और वो होता है आसान भाषा में मन की शांति, बिकॉज उससे बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ पर जुड़कर, यहाँ की एक्टिविटीज के साथ जुड़कर एक हर टाइम पॉजिटिव रहने का, कहते हैं ना, मोटिवेशन रहता है कि बाहर नेगेटिविटी है, ओके है, बट हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें, वो हमें यहाँ से समझ आता है। इफ़ यू आस्क मी कि गुस्सा ऐसे कर देते हो किसी भी बात पे या डिसीजंस ऐसे ही ले लेते हो, नो, दिस स्पिरिचुअल नॉलेज हैज हेल्प्ड मी टू एक्चुअली बी एट पीस। कभी प्रसन्नता होती है लाइफ में, कभी कोई सॉरोफुल सिचुएशन आ जाती है, बट इफ़ यू आर मेंटली बैलेंस्ड, अगर वो मेंटल इक्विलिब्रियम है, तो आप किसी भी लाइफ की सिचुएशन को इन एनी फेज यू कैन ईजिली सरपास दैट, तो बहुत आसानी से आप उसको कर पाओगे। तो इस तरीके से ध्यान कक्ष में, दिस इज वन एग्जाम्पल, जो भी टीचिंग्स हैं दोज आर डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड, मेज्ड विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दैट यू आर वर्किंग इन डे टू डे लाइफ। अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हो, जीवन में एक अर्थ होता है ना, जीवन का अर्थ समझना चाहते हो, तो ध्यान कक्ष जैसी जगह पर आना, वहाँ पर आकर वो टीचिंग्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको ऐसी जगहों से ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए, और जो यहाँ का ऑब्जेक्टिव है इस वर्ल्ड में सत्युग लाने का, वो तभी आएगा जब यहाँ पर अच्छे लोगों की संख्या बढ़ेगी।